आई मीन टू द स्टॉक मार्केट हो गए मुझे मतलब 13 साल हो चुके हैं मुझे स्टॉक मार्केट में. मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट करी थी 2010. स्कैल्पिंग इज समथिंग वेयर यू हैव टू बी वेरी क्विक. बेसिकली आई एम अ मोमेंटम. तो मेरा जो बेसिकली स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग यही है कि मैं पहले वेट एंड वॉच करती हूँ. जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगी कि ऑप्शन बायर जो होते हैं ना, मैं ऑप्शन बायर को एक चीज बोलती हूँ कि उनको ना चीते की तरह होना चाहिए कि एक शांति से बैठे रहो, जैसे ही शिकार आए ग्रैब करो. हमें पता है निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करती है, ठीक है? इट्स द नागिन डांस. सो बेसिकली मेरा क्या होता है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट मोमेंटम. अगर जिस दिन आप नागिन डांस की बात कर रहे हो, नागिन डांस वाले दिन क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा स्पाइक्स दे रही होती है. जैसे कि मैं ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि आज कौन ज्यादा एक्टिव है, कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव है या पुट राइटर. तो हेलो गाइस, टुडे वी हैव विद अस मिस किरण चोपड़ा हु हैज 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट. शी विल बी टीचिंग अस अबाउट स्कैल्पिंग टुडे फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर्सपेक्टिव. सो किरण जी, वेलकम टू द चैनल एंड अ लॉट ऑफ thanks from my viewers to whom you are going to teach your strategies today. How are you? I'm good. How are you? Fine. Okay. So it's over to you. Now you start it and then we will let it go as it is going casually. Okay. Okay. So first, before I share the setup and strategy, I just want to introduce myself. मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी, because if your viewer wants to know about me. As few people know, I'm Kiran Bala, and most of people know me because I also have one YouTube channel जहाँ से लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं. I'm into the stock market. हो गए मुझे मतलब 13 साल हो चुके हैं मुझे stock market में. मैंने stock market start करी थी 2010 से, 10-11 से मैंने stock market start करी थी. अब मेरे को 13 साल से ऊपर हो चुके हैं stock market में. Basically जो मेरा core area है trading का, that is buying. मैं ऑप्शन बायर हूँ. सेलिंग मैंने बहुत बार ट्राई भी करी है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब बहुत अच्छी कैपिटल हो जाए तो आपको सेलर बन जाना चाहिए. मैंने ट्राई किया है सेलिंग करने का, बट नहीं हो पाया. कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट, वो चीज़ें मैं नहीं कर पाई. तो फिर मेरा कोर एरिया बाइंग ही रहा और मैं बायर ही हूँ. तो बाइंग बेसिकली मैं ज़्यादातर इंट्राडे करती हूँ, चाहे वो स्टॉक बाइंग हो, स्टॉक ऑप्शन बाइंग हो या इंडाइसिस हो. तो बट आई डू स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो. स्विंग ट्रेडिंग में मैं करती हूँ, जिसमें मैं ज़्यादातर फ्यूचर को ही ट्रेड करती हूँ. अगर मैं ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाती हूँ कोई भी, चाहे स्टॉक्स हो चाहे इंडाइसेस हो, वो मेरे ज़्यादातर फ्यूचर्स होते हैं. क्योंकि ओवरनाइट में मुझे थोड़ी सी ऑप्शन एक रिस्की लगती है कि टाइम डीके और ये चीज़ें कैन किल द प्रॉब्लम, किल द प्रॉफिट. तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ मैं फ्यूचर से करती हूँ. इंट्राडे प्योर एंड प्योर ऑप्शन बाइंग होती है मेरी, चाहे वो स्कैल्पिंग हो चाहे वो मोमेंटम ट्रेडर हो. अगर मैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि व्हाट इज माय कोर एरिया इन इंट्राडे ट्रेडिंग, मेरा क्या स्टाइल है, क्या मेरा मेन होता है. बेसिकली आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर. मैं स्टॉक मार्केट में बेसिकली मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश करती हूँ कि किस साइड मार्केट जा रही है. पहले मैं मार्केट की डायरेक्शन समझने की कोशिश करती हूँ, फिर उसी डायरेक्शन के साइड जब मेरा एक माइंडसेट बन जाता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, सो उसी डायरेक्शन के साइड मैं अपने सेटअप से कुछ ट्रेड्स लेने की कोशिश करती हूँ. जब वो मुझे ट्रेड मिलते हैं तो एज पर दैट आई टेक अ ट्रेड. बट एक बार जब मैं ट्रेड में एंटर कर जाती हूँ, तो मैं एक ऑप्शन बायर के लिए एक चीज ऐड करूंगी कि अगर एक ऑप्शन बायर तभी एक लॉन्ग रन रेस हो सकती है अगर वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करे. तो मेरा एक मेन एरिया होता है कि जब भी मैं एक ट्रेड में एंटर करूं, तो मुझे होता है कि मैं उसको जितना लंबा राइड कर सकूं मैं उतना लंबा राइड करूं, कि मैं अपने प्रॉफिट को बुक करती जाऊं थोड़ा थोड़ा करके, उसको ट्रेल करती जाऊं, ताकि जितना मैं उस ट्रेड से मैक्सिमम निकाल सकूं मैं निकाल लूं. तो उससे क्या होता है कि अगर इससे मेरे प्रॉफिट्स बड़े हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर एक दो अगले मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, तो आई विल बी एबल टू हैंडल दैट एरिया. मतलब वो छोटे मोटे स्टॉप लॉस मैं हैंडल कर लूंगी. तो मेरा जो स्टाइल है ट्रेडिंग का यही है कि पहले मार्केट को समझना कि मार्केट चाहती क्या है, बुलिश है या बेरिश है. जैसे मैं आज की एग्जाम्पल लेते हैं, आज हम 26 अप्रैल को बात कर रहे हैं. आज की मार्केट सुबह बुलिश थी, मतलब इट वॉज अ गैप अप ओपनिंग. उसके बाद उसने एक जगह थोड़ी देर नीचे आई, कंसोलिडेट किया. आई वॉज वेटिंग फॉर द मार्केट, और मैं उस टाइम मार्केट की जब डायरेक्शन समझ रही थी, तो आई गो मार्केट जब मैं डायरेक्शन समझ रही थी, मोमेंटम समझ रही थी, तो वहां से मुझे मार्केट का जो प्राइस एक्शन मुझे मिला, वो समझ आया कि मार्केट नीचे ही जाने की कैपेसिटी रखती है. तो आई वॉज वेटिंग. मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देती हूँ, अगर मेरा चार्ट विजिबल है तो. आई वॉज वेटिंग. अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, तो निफ्टी एक ये डे लो था जो बिल्कुल एक 22,512 एक डे लो था.
यहाँ पे निफ्टी बार बार स्ट्रक हो रही थी, यहाँ से अगर आप देखोगे ये लो बना के फिर 11 o'clock को यहाँ से निफ्टी ने एक रिवर्सल लिया, फिर दोबारा यहाँ से एक 12 o'clock को रिवर्सल लिया, यहाँ पे निफ्टी बहुत स्ट्रक हो रही थी, बट मैं वेट कर रही थी कि ये लो को ब्रेक करे, इसके नीचे एक सस्टेनेबिलिटी दिखाए, क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन मुझे बोल चुका था कि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, स्मार्ट डेटा जो हम बोलते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस जो हम बोलते हैं, वो मुझे बोल चुका था कि मार्केट का मोमेंटम बुलिश बेरिश है, नेगेटिव है, तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस लेवल टू ब्रेक, और जैसे ये लेवल ब्रेक किया आई ट्राई टू राइट दिस रैली, मैंने कुछ यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे प्रॉफिट बुक किया, फिर मैं थोड़ा और नीचे तक गई कुछ, और आई ट्राई टू ट्रेस दिस रैली, और इसमें मैंने जैसे अगर एक ऑप्शन मैंने 97 पे बाय करी थी तो वो मैक्सिमम मैंने जो उसको प्रॉफिट बुक किया था 122 तक मैंने उसे राइड किया था टू ट्रेलिंग द प्रॉफिट. तो मेरा जो बेसिकली स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग यही है कि मैं पहले वेट एंड वॉच करती हूँ. जैसे एक मैं एग्जाम्पल दूंगी कि ऑप्शन बायर जो होते हैं ना, मैं ऑप्शन बायर को एक चीज बोलती हूँ कि उनको ना चीते की तरह होना चाहिए कि एक शांति से बैठे रहो, जैसे ही शिकार आए ग्रैब करो. तो ऑप्शन बाइंग में भी यही होता है कि आपको पूरा दिन बैठना है, कुछ नहीं करना है जब तक आपका सेटअप कोई ट्रेड ना दे. जैसे आपका सेटअप ट्रेड दे, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी बस आपको मिस नहीं करनी है जहां पे आपको एक अच्छी सेटअप ट्रेड मिल रहा. तो मेरा बेसिकली यही है कि मैं ऑप्शन बाइंग में आई ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट डायरेक्शन और देन आई ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे एक अच्छा सेटअप ट्रेड मिल रहा है. तो मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर आप जब इंट्राडे करते हो तो आप 15 मिनट का चार्ट यूज करते हो? नहीं, आई जनरली यूज 5 मिनट चार्ट. मैं अगर ये लेवल ब्रेकआउट का वेट करती हूँ, जैसे लेवल्स में 15 मिनट और 30 मिनट में ड्रॉ करती हूँ, पर आई ट्राई टू वेट ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ 5 मिनट चार्ट. तो ये डे लो पे तो जब ये 5 मिनट की कैंडल, आप ये बोल सकते हो 12:35 की कैंडल ने यहाँ के इसके नीचे क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे एक फ्रेश उसका कंफर्मेशन दी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड में एंट्री करी थी. और ये जो आप इसके अंदर मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, ये कौन सी है? This is a 5 AM. 5 AM में basically I use to understand market. जैसे जब तक price 5 AM, अगर आप सुबह देखोगे तो you can see that सुबह जब market नीचे आई तो उसने यहाँ पे 10 o'clock पे 5 AM के नीचे closing दी, उसके बाद कहीं भी बार ऊपर भी गई तो 5 AM के ऊपर एक sustainability नहीं दिखाई और बार बार market ने 5 AM से reversal लिया. तो 5 AM को मैं हमेशा बोलती हूँ short term momentum candle. EMA इसमें क्या होता है कि आपको ये समझ आ जाता है कि market का इस टर्म momentum क्या चल रहा है, bullish या bearish. तो अगर प्राइस 5 AM के नीचे है तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस अभी बेरिश है. बट जिस तरीके से कल मार्केट थी यस्टरडे में, इट वाज वेरी स्ट्रांग एट द टाइम. ठीक है, वो अलग बात है कि जब हम लोग शाम को बैठ के डो जॉन्स को देखने लगे तो इट वाज इनिशियली 4650 पॉइंट्स डाउन एंड जब तक क्लोज हुई तो 350 पॉइंट्स तक आ गई हुई थी. बट देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन दैट मार्केट इज गोइंग टू बी बेरिश. बट प्रीवियस डे से आपने कैसे मतलब कि अंदाजा लगाया दैट इट कैन बी अ बेरिश मार्केट, बिकॉज डिस्पाइट व्हाट वाज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स, हमारी जो मार्केट थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी मॉर्निंग के अंदर. यस, इट वॉज स्ट्रॉन्ग इन द मॉर्निंग जब एक गैप अप ओपनिंग हुई थी. देखो कल एक अच्छा खासा, अगर हम कल की देखें तो वी हैव सीन द वेरी गुड मूवमेंट इन निफ्टी. ठीक है, एक अच्छा खासा हमें एक मोमेंटम मिला था और कल का दिन मैं अगर बोलूँ तो थर्सडे वाज द बेस्ट एक्सपायरी फॉर मी, क्योंकि मैंने उस मोमेंटम को कैच किया था और अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था. आज की मार्केट के लिए अगर मैं बोलूँ तो आई वॉज नॉट बैरिश. मैं सुबह की बात करूँ तो आई वॉन्ट से दैट आई वॉज बुलिश फॉर द मार्केट. बट अगर आप सुबह की मार्केट देखो तो जब इसने सुबह खुली एक नॉर्मल, इट वॉज नॉट वी कैन से दैट इट वॉज अ बिग गैप अप ओपनिंग, इट वॉज अ नॉर्मल गैप अप ओपनिंग, 30-40 पॉइंट हमें एक गैप अप मिला था. उसके बाद जब कल का हाई, ये मेरा एक, मैं जोन जैसे आपको बोलती हूँ, मैं जोन मार्क करती हूँ, मैं लेवल्स मार्क करती हूँ, तो कल के हाई पे मैंने एक लेवल मार्क किया था और पीछे भी इसी लेवल पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा पीछे अगर मैं दिखाऊं तो ये 9 अप्रैल को भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन थी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया था. तो ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन होती है. ये जोन्स मैं खुद मार्क करती हूँ वन डे बिफोर, एक दिन पहले मैं अपना होमवर्क जब करती हूँ तो मैं ये. तो जब मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करी, वी हैव सीन द पुल बैक. तो यहाँ पे जब मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, 5 AM के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया, और उस टाइम अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखते, अगर आप स्मार्ट डेटा भी देखते, तो वहां पे भी एक क्लियर इंडिकेशन आ रहा था कि कॉल राइटर्स आर एडिंग मोर इंस्टेड ऑफ पुट राइटर.
कि अब हमारे पास स्मार्ट डेटा, अगर हम स्मार्ट डेटा देखें तो स्मार्ट डेटा में ये एक इंडिकेशन आ गई थी कि पुट कॉल राइटर्स ज्यादा आ रहे हैं, पुट राइटर्स हमारे इतने सारे ऐड नहीं हो रहे। और प्राइस एक्शन में भी अगर हम देखते तो 5 EMA के नीचे लेवल्स के यहाँ पे कंसोलिडेट करिए, तो एक इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश टर्न हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने ये सुबह वाली रैली कैच करी थी, क्योंकि सुबह में मार्केट को लेकर बिल्कुल भी बेरिश नहीं थी, तो इसलिए मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया नहीं था। और शॉर्ट ट्रेड मैंने आई वॉज नॉट, ऐसे मैं मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करती, तो मैंने ये नहीं लिया। तो इसलिए जब मार्केट का यहाँ पे मैंने जब फिर डे लो के नीचे एक अपना वो लगा दिया था लेवल की, जब तक ये डे लो टूटेगा उसके बाद आई कैन थिंक अबाउट द शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि मार्केट का कहीं ना कहीं बैरिश मोमेंटम समझ आ गया था स्मार्ट डेटा और प्राइस एक्शन के हेल्प से। सो बेसिकली यू वर सिटिंग आइडल फॉर द फर्स्ट 2 hours। यस, यू कैन से दैट आई वाज सिटिंग आइडल फॉर द फर्स्ट 2 hours। आई डिडंट टेक अ सिंगल ट्रेड टिल 12:30। 12:30 तक मैंने आज कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था। हाँ, आई वॉज डूइंग सम स्टॉक्स, मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रही थी क्योंकि आई डू सम स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में कर रही थी क्योंकि, बट इन अगर मैं इंडाइसिस बोलूँ तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। ओके, बट नॉर्मली जब रूटीन में आप इसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो स्कैल्पिंग इज समथिंग जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि somebody is buying immediately and selling immediately or selling immediately and buying immediately, ठीक है? So इसको आप किस तरीके की ट्रेड्स में सोचते हैं? ये जो चीज मैंने आपको बताई है, this is momentum trading, this is not a scalping, this is something where you are doing a intraday trading, you are want to ride the complete ride, आप एक momentum समझना चाहते हो। स्कैल्पिंग इज टोटली डिफरेंट टू द इंट्राडे ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग इज समथिंग, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे मैंने आपको बोला, मैं 12:30 तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं मार्केट को अंडरस्टैंड कर रही थी, मार्केट को मोमेंटम समझने की कोशिश कर रही थी कि मार्केट बुलिश है या बैरिश है, फिर उसके बाद मैं अपने लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट कर रही थी। वो एक होता है कि यहाँ पे आपको मार्केट की एक डायरेक्शन समझनी है, मार्केट को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट कर क्या रही है, और उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप टू टेक अ ट्रेड, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। बट स्कैल्पिंग इज टोटली डिफरेंट। स्कैल्पिंग में आपको ना तो मार्केट की डायरेक्शन नहीं समझनी है, आपको कोई मार्केट का मोमेंटम नहीं समझना है, आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देखनी है कि कहाँ पे मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी स्कैल्पिंग की मिले जहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ग्रैब कर सकूँ और बड़ी क्वांटिटी में। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि अगर आपको 5-6 पॉइंट भी मिल गए, 5-7 पॉइंट भी मिल गए और आपने एक अच्छी क्वांटिटी ट्रेड कर ली, तो आप क्विकली बहुत अच्छा प्रॉफिट टर्न करके यू कैन गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड। तो वो एक स्कैल्पिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग का डिफरेंस होता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में आई ट्रेड विद लिमिटेड क्वांटिटी और उसमें मैं पूरी रैली को राइड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 12:30 पे एंटर करी और मैं नियर अबाउट 1:45 तक के तक मैंने इस रैली को ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा ट्रेल कर रही थी अपने प्रॉफिट को, वो एक मोमेंटम ट्रेडिंग हो गई। पर स्कैल्पिंग अगर आप बोलते हो क्विकली ट्रेडिंग, वो फिर होता है कि फ्यू सेकंड और फ्यू मिनट्स का गेम। तो ये सुबह डिसाइड कैसे करते हो कि आज के दिन में मुझे मोमेंटम करना है कि आज के दिन में मुझे स्कैल्पिंग करना है, या फिर ये जो थॉट प्रोसेस है पिछले दिन मेड कर लेते हो कि नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू डू मोमेंटम और नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू डू स्कैल्पिंग? नहीं नहीं ऐसा मेरा देखो फिक्स नहीं होता है। देखो मैं क्या करती हूँ, जैसे आज मोमेंटम ट्रेडिंग की हम बात करें तो मैंने अपना जैसे मुझे लग गया कि आज यहाँ पे मुझे डे लो के बाद ही ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ डे लो के आसपास अलर्ट लगा दूंगी और उसके बाद अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी है तो मैं अपने स्कैल्पिंग सेटअप पर चली जाऊंगी। आई विल अगर मुझे कुछ क्विक अर्न करने, स्कैल्पिंग मैं जनरली अगर बोलूँ तो मैं करती हूँ स्कैल्पिंग सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन, बाकी दिन मैं स्कैल्पिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आपका जो डेल्टा होता है वो बहुत हाई होता है और आपको क्विकली बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। बाकी दिन अगर हम स्कैल्पिंग करते हो तो हमें इतने अच्छे इतनी जल्दी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करती हूँ, मैं बाकी इंडाइसिस में बहुत रेयर ट्रेड करती हूँ। मिड कैप में तो मैंने आज तक कभी ट्रेड ही नहीं किया, ना मैंने सेंसेक्स में किया, फिर निफ्टी में फिर भी मैंने एक दो बार कुछ ट्रेड किया हुआ है, बट मैं ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करती हूँ। तो जो मैं स्कैल्पिंग करने की कोशिश करती हूँ तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को करती हूँ, निफ्टी की थर्सडे को करती हूँ, बाकी दिन मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करती हूँ। ये मेरा मतलब मेरा यही स्कोप रहता है कि मैं बाकी दिन मोमेंटम ट्रेडिंग करती हूँ, सिर्फ स्कैल्पिंग मैं एक्सपायरी वाले दिन करती हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ओके, तो स्कैल्पिंग के अंदर आपका टाइम फ्रेम क्या रहता है? 3 minutes, 5 minutes, 1 minute? या सो इट मेक्स सेंस कि आप 1 minute के ऊपर काम कर रहे हो। हाँ, स्कैल्पिंग। दूसरी एक क्वेश्चन मेरा और है उसके ऊपर। अब जैसे आपने यहाँ पे इस चार्ट के अंदर मुझे बताया कि यू वर राइडिंग द मोमेंटम, इट मेक्स सेंस, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग टुडे कि मार्केट जो है आज ऊपर ओपन होने के बाद उसे गिवन करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे थे वहां पे, ठीक है। नाउ
ये बात होगी जब when it opened up and after that it was a straight drive to the downside, ठीक है? पर how do you approach it when there are M and W's forming on the index? To be very frank, Rohit, I don't trade trading pattern. मैं M W this pattern I मतलब what I'm trying to understand is, ठीक है? जैसे ये वाली सेटअप यहाँ पे बनी, अगर एज अ ट्रेडर मैं इसको देखूं तो एक तरीके से इसने स्टार्टिंग में ही इंट्राडे बेसिस पे एक डाउन ट्रेंड बनाया, डाउन ट्रेंड बनाने के बाद इसने कंसोलिडेशन दी, उस कंसोलिडेशन बनाने के बाद इट ब्रोक डाउन, आपने उसको स्टॉप लॉस सेल लगाया और उसको ट्रेल किया, ठीक है? बट नॉर्मली हमें पता है निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करती है, ठीक है? इट्स डूइंग अ नागिन डांस, ठीक है? सो हाउ डू यू गेट अ क्लू कि मुझे यार आज इस चीज को छोड़ देना है यहाँ से, आई एम नॉट गोइंग टू टच इट, कि सो उस केस में आपकी पोजीशन साइजिंग कैसे रहती है, आपकी उसके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट मैनेजमेंट कैसे रहती है उस केस के अंदर? आई मीन देयर आर वर्स डेज ना. सो बेसिकली मेरा क्या होता है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट मोमेंटम. अगर जिस दिन आप नागिन डांस की बात कर रहे हो, नागिन डांस वाले दिन क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्पाइक्स दे रही होती है. जैसे अब अगर हम कल निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी ने कल बिफोर एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था 145 से पहले, उससे पहले इसे हम नागिन डांस ही बोल सकते हैं क्योंकि इसने एक अच्छा खासा ऊपर का स्पाइक दिया, नीचे का स्पाइक दिया. बट यहाँ पे मुझे क्या सेव करते हैं, मेरे लेवल्स. अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कल एक नीचे मेरे लेवल से इसने एक पुल आउट लिया था और ऊपर मेरे पास एक लेवल था, वहीं से उसने मुझे एक पुल बैक दिया था. तो मैं बेसिकली जब लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करती हूँ तो मुझे अपने लेवल्स के बाद में अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना शुरू कर देती हूँ या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ जो मुझे हेल्प करते हैं ऐसे ना मतलब ऐसी वोलेटाइल मार्केट से अपने आप को सेव करने के लिए. कल देखो जैसे मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक लिया था तो मैं ये लॉन्ग राइड तो मैंने ली थी, मैंने मतलब मॉर्निंग में मैंने ऊपर का ट्रेड लिया था. बट ये वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसे सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे कि मार्केट का मोमेंटम अभी बेरिश है. तो मैं बेसिकली जहाँ पे मुझे जिस साइड मुझे मार्केट का मोमेंटम पता होता है मैं उसी साइड का ट्रेड लेती हूँ. अगर दूसरी साइड कुछ भी हो जाए, मार्केट चाहे 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी गिर जाए, मैं ट्रेड नहीं करूंगी क्योंकि मेरे कन्वेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरा प्राइस एक्शन या मेरा जो मैं स्मार्ट डेटा को स्टडी कर रही हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं एक कन्वेंशन नहीं दे रहा है कि मार्केट ने गिरना है, तो मैं उस राइड को नहीं फॉलो करूंगी. जैसे हम लास्ट थर्सडे की एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट थर्सडे को निफ्टी ने 200 पॉइंट की मूवमेंट दी थी 2 मिनट में. कहीं भी अगर आप हो सकता है किसी का सेटअप बोल रहा होगा कि ये नेगेटिव है, बट अगर आप ध्यान से देखो कहीं ना कोई ना प्राइस एक्शन या मैं स्मार्ट डेटा को स्टडी करूँ कहीं भी ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं आ रहा था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी. तो मैं अगर मैं बोलूँ कि मैंने 200 पॉइंट की रैली ली थी, मैंने उसको कुछ नहीं किया था, एक दो छोटे छोटे स्कैल्प जरूर किए थे जिससे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, बट वो पूरी की पूरी 250 पॉइंट की रैली मैंने कैच नहीं करी थी क्योंकि मेरा कन्वेंशन मार्केट में बैलिश नहीं था. मेरा कन्वेंशन बुलिश था, मैं लॉन्ग में थी और कुछ लेवल्स में मैं अपने प्रॉफिट को बुक भी कर चुकी थी, जो कुछ क्वांटिटी मेरी ट्रेल हो रही थी उसने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया था. बट आई डिडंट कैच दैट रैली बिकॉज आई वॉज ट्रेडिंग द कन्वेंशन मोमेंटम ऑफ द मार्केट. तो जब मार्केट होती है ना तो मेरा बेसिकली ये होता है कि मैं अपने कन्वेंशन पे ही ट्रेड करती हूँ कि किस साइड मेरा मार्केट का मोमेंटम है मैं वही पकड़ने की कोशिश करती हूँ. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि आपने पिछले दिन एक डिसाइड कर लिया कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट द मार्केट. अगले दिन जो मैं डाटा देख रही हूँ या जो मैं लेवल्स देख रही हूँ उसके ऊपर इट इज मैचिंग विद माई कन्विक्शन, नाउ आई हैव टू टेक अ ट्रेड इन दैट डायरेक्शन ओनली, उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है. बट जिस हिसाब से दिन में मार्केट की मूवमेंट्स होती है या प्राइस एक्शन बन रहा होता है या स्मार्ट डेटा बन रहा होता है फिर उसी अकॉर्डिंग मैं अपने कन्वेंशन को मॉडिफाई भी कर देती हूँ कि ऐसा, क्योंकि यू कांट स्टिक इन द मार्केट. आप एक व्यू पे मार्केट में नहीं स्टिक रह सकते हो कि अच्छा आपने बोला मार्केट बुलिश है तो मैं सारा दिन बुलिश ही रहूंगा, हो सकता है मार्केट गिर. तो मेरा ये होता है कि मैं उस टाइम जो मेरा मोमेंटम चल रहा है, जैसे मैं एक दिन पहले जो मैंने व्यू बनाया उसके बाद मैं सुबह मार्केट को लेकर कन्वेंशन लेती हूँ और उसके बाद आफ्टर एवरी 15-20 मिनट मैं स्मार्ट डेटा को देखती हूँ, फिर मैं अपने प्राइस एक्शन को देखती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कन्वेंशन को मॉडिफाई करती रहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करती हूँ. पर जैसे आप हम लास्ट थर्सडे की एग्जांपल लेते हैं तो टाइम ऑफ 130 पे जब मार्केट गिरी थी उस टाइम कोई भी कन्वेंशन आपको बैरिश नहीं बोल रहा था, मेरा मतलब कोई भी सेटअप मुझे बैरिश नहीं बोल रहा था, तो इसलिए आई डिडंट. हम उसको देख सकते हैं एक बारी यहां पे चार्ट्स पे. हाँ तो मैं आपका
लास्ट थर्सडे का अगर हम निफ्टी खोले, दिस इज द ट्रिप, दिस इज द डे. अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी ऊपर की रैली दी और मैं बिल्कुल बुलिश थी. और आप देखोगे तो यहाँ 5 EMA के ऊपर मार्केट बिल्कुल सस्टेन कर रही थी, जो मैं हमेशा मार्केट के मोमेंटम को समझती हूँ. उसके अलावा अगर मैं स्मार्ट डेटा भी स्टडी कर रही थी, जो मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस स्टडी करती हूँ, वहाँ पे हमेशा नीचे हर अगर मैं यहाँ पे लेवल देखूँ तो साथ पे पुट राइटर्स ही पिक्चर में थे. कॉल राइटर्स इतने नहीं थे, पुट राइटर थे. तो इट वॉज कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन यही थी कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी. तो आई वॉज लॉन्ग, मैंने कुछ लॉन्ग लिए थे, कुछ बुक कर लिए थे अपने लेवल पे, कुछ मेरे पड़े थे जो मैं ट्रेल कर रही थी, जो इन कैंडल्स, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में होता है तो इन कैंडल्स में जाके हिट हो गए. बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने ये पूरी की पूरी रैली कैच करी, क्योंकि मैं बुलिश थी मार्केट को लेके. मैं कहीं ना कहीं भी मेरे पास कोई ऐसे सिग्नल नहीं थे कि मार्केट गिरेगी. मैंने ना अभी कुछ देर पहले ना एक इंट्राडे के एक इंट्राडे ट्रेडर है, उनके साथ मैंने एक सेशन किया था, ठीक है. एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दीज लेवल्स सीपीआर पिवट्स के ऊपर, ठीक है. व्हाट आई एम सीइंग इज कि जो निफ्टी के ऊपर गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो प्रॉब्लम ज्यादा कर रही है स्विंग ट्रेडर्स को, नॉट द इंट्राडे ट्रेडर्स, ठीक है. बिकॉज इंट्राडे के ऊपर क्या हो रहा है कि इंट्राडे के ऊपर, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज लेवल्स, I understand that you are not talking about any pivot lines, pivot supports, support, Camarilla pivots. आप सिर्फ क्या कर रहे हो, important reference points देख रहे हो charts के ऊपर, like a previous high, previous low, previous support zone, previous resistance zone, day high, day low, and then you are deciding कि इसके ऊपर, and उसके basis पे it is working very nice for you, because intraday के अंदर तो market खुल गई ना, एक घंटा उसने सस्टेन कर लिया, अब गैप अप गैप डाउन तो होना नहीं, आपको वहां से ट्रेंड पकड़ना है बेस्ड अपॉन कि कहां जाएगी वहां से मार्केट. ट्रू. ओके, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज़ जो पोजीशनल वाले हैं वो तो रोते रहते हैं कि हमने पोजीशन ऊपर की थी, वो एकदम से वहां से गैप डाउन ओपन हो गया, वहां से हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा, ठीक है. तो इंट्राडे में यू डोंट फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन. इंट्राडे में आपको क्या करना है, बस आपको एक बार मार्केट का कन्वेंशन पकड़ना है और उसी साइड पे ट्रेड करना है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर उल्टा भी पड़ गया तो आपका एसएल हिट होगा, वो भी आपको पता है कि आपको कितना एसएल लेना है, क्योंकि आपका रिस्क डिफाइंड है इंट्राडे में. स्विंग में आपको पता है आपका रिस्क, आप जितना भी डिफाइन कर लो, अगर वो गैप डाउन हो या गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर यू वॉन्ट बी. जैसे हम लास्ट वीक के का एग्जाम्पल लेते हैं, जब वो वॉर की बात आई थी तो वो हमारी इतनी गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई थी, बट जो फ्राइडे की शायद आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, जब हमें सुबह एसबीआई निफ्टी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि मैं पौने 400 पॉइंट की एक ओपनिंग दे सकता, तो उस टाइम अगर कोई स्विंग ट्रेड कॉल होती या किसी के पास फ्यूचर होता तो उसके लिए एक वो होता है ना कि हार्ट बीट टेस्ट करने, वो तो इतनी गैप डाउन हुई नहीं और उसके बाद हम ऊपर चले गए. बट अगर बाई चांस वो पौने 400, और आप उस दिन के एग्जाम्पल ले लेते हैं जिस दिन HDFC का रिजल्ट आया था, वी हैव सीन द मैसिव गैप डाउन ओपनिंग. तो स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको, बट वहां पे भी आप अपने आप को, आप अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को अगर हेज कर जाओ, नेट क्वांटिटीज भी कम रख सकते हो, क्वांटिटीज भी कम रख सकते हो, पर क्वांटिटी में भी एक रिस्क होता है ना कि ठीक है अगर गैप डाउन हो गई तो फिर भी आपका रिस्क है, पर अगर आपने हेज कर लिया अपनी पोजीशन को तो आपको पता है कि आपकी, अगर मैंने हेज करके अगर उसके बाद इतने ही मेरा जाना है तो उससे ज्यादा आपका रिस्क नहीं होगा. तो मैं वैसे नए ट्रेडर, मैं वैसे हेजिंग कम करती हूँ, बट मैं वैसे नए ट्रेडर को हमेशा एडवाइस देती हूँ कि अगर आप न्यू ट्रेडर और अपनी कैपिटल को सेव करना चाहते हैं तो ओवरनाइट पोजीशन को हेज करके चले जाओ. इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको इतना पता होगा कि इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं मिलेगा रात को, दूसरा आपको रात को चैन की नींद आएगी, नहीं तो आप बार बार उठ के गिफ्ट निफ्टी और डाउ नहीं देखते रहोगे. नहीं तो अगर रात को अगर आपके पास ओवरनाइट ट्रेड है तो इट्स वेरी क्वाइट कॉमन कि अगर आपका रिस्क डिफाइन नहीं है तो आप पूरी रात जाग के डाउ को ही देखते रहोगे, डाउ क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है. तो अगर आप शांति से एक ओवर, क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग तब भी अच्छी होती है जब आप उसे पीसफुली हैंडल कर सको. अगर आप रातों की नींद खराब कर रहे हो, आप नहीं मैं मतलब आपके हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, तो फिर ऐसी ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करो, अपने रिस्क को डिफाइन करके जाओ, अपनी पोजीशन को हेज करके जाओ, ताकि आपको पता हो कि इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं होगा, तो आप टेंशन फ्री होकर सो तो सकते हो रात को. इसके अलावा भी कोई इंडिकेटर्स आप यूज करते हो अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर? हाँ, आई डू यूज VWAP, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन यूज करती हूँ, नॉट अ करेक्ट VWAP. मैं ये नहीं बोलूंगी कि VWAP को मैं एज इट इज यूज करती हूँ, उसका कुछ मॉडिफाई वर्जन है जिसको मैं यूज करती हूँ. उसके अलावा मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करती, तो आई जस्ट यूज माई लेवल्स, EMAs एंड VWAP.
तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मैं ट्रेड करती हूँ। और जब आप स्मार्ट डाटा की बात करते हो, दैट इज बेसिकली ऑप्शन चेन एनालिसिस। यस यस, दैट इज बेसिकली, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि स्मार्ट डाटा को हम वो मैं देखना भी चाहता हूँ कि आप ऑप्शन चेन एनालिसिस को इंट्राडे के पर्पस के लिए कैसे यूज करते हो। श्योर, आई विल शो यू। देखो ये जैसे ट्रेडिंग ट्रिक है, अगर आप ट्रेडिंग ट्रिक को देखो तो आपको आई थिंक वो स्क्रीन में शेयर करती हूँ, रुकिए। या तो देखो, अगर आप, मैं स्मार्ट डेटा की बात करूँ तो ये निफ्टी का आज का स्मार्ट डेटा है। इट इज शोइंग दैट कि अगर आप सुबह से ही देखो, 9:46 से अगर आप देखो तो कॉल राइटर वॉज एडिंग इन, ये ग्रीन इज अ कॉल राइटर एंड रेड इज अ पुट राइटर। तो मैं ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि आज कौन ज्यादा एक्टिव है, कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव है या पुट राइटर। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखो, 949 से ज्यादा से ज्यादा कॉल राइटर्स ही एड हो रहे थे, मतलब उसमें मार्केट में पुट राइटर्स वॉज गोइंग डाउन। तो इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि अगर कॉल राइटर एक्टिव है तो ऑब्वियसली वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहेंगे, ऊपर तो नहीं लेके जाना चाहेंगे। तो ये एक एनालिसिस आपको दे। और अगर आप बैंक निफ्टी का भी मैं दिखाती हूँ, बैंक निफ्टी का भी, ये हम लोग टोटल ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं, जब हम लोग कॉल्स को देख रहे हैं। यस, ये टोटल ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ओवरऑल आज कौन एक्टिव है, कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव है या पुट राइटर है। तो यहाँ से एक आपको देखो, अगर आपका देखो एक प्राइस एक्शन नेगेटिव है, आप जैसे मैं बोल रही थी मेरा प्राइस एक्शन मुझे शॉर्ट साइड ही मोमेंटम दे रहा था, तो ये आपको एक कंफर्मेशन दे देता है कि अच्छा कि यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव है, तो इसका मतलब मेरा प्राइस एक्शन भी है तो कॉल राइटर भी एक्टिव है। तो आप एक डबल उसमें कॉन्फिडेंस ट्रिप लेते हो, जहाँ पे ऐसा होगा अच्छा मेरा प्राइस एक्शन नेगेटिव है बट स्मार्ट डेटा पॉजिटिव है, तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ी अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगी क्योंकि मेरे स्मार्ट डेटा मुझे कंफर्मेशन नहीं दे रहा, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइस एक्शन ही रहेगी, बट फिर भी मैं अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, आपके पास आपका कॉन्फिडेंस, अभी मेरा आज कॉन्फिडेंस है कि आज स्मार्ट डेटा भी मेरे साइड है, प्राइस एक्शन भी मेरे साइड है, तो मैं अपनी अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगी। जहाँ मुझे लग रहा है कि प्राइस एक्शन मेरे साइड नहीं है, स्मार्ट डेटा मेरे साइड है, एक चीज मेरे मतलब प्राइस एक्शन मेरे साइड है, स्मार्ट डेटा मेरे साइड नहीं है, तो वहां पे मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पुट राइटर ज्यादा नीचे है तो वो हो सकता है वो मार्केट को ऊपर ले जाए, तो मैं थोड़ा छोटा रिस्क लूंगी। तो ये एक कंफर्मेशन के लिए मैं यूज करती हूँ कि हाँ, अगर मैं मार्केट को स्टडी करके मेरे जो सेंटिमेंट्स है, प्राइस स्मार्ट डेटा भी उसमें कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं। ओके, सो अगर हम बात करें, दिस इज अ वे ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग। जैसे मैं अभी आपको बात कर रही थी कि मान लो जैसे एक्सपायरी वाले दिन है, एक्सपायरी वाले दिन अगर हम एक छोटा छोटा अपने प्रॉफिट में ऐड कर लें, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन की हम अगर बात करें तो बहुत हाई डेल्टा होता है, और दैट इज द बेस्ट डे टू डू द स्कैल्पिंग। तो मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करती हूँ, बट एक्सपायरी वाले दिन मैं स्कैल्पिंग भी करती हूँ, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन एक ऐसा दिन होता है कि यार छोटे छोटे ट्रेड लेके यू कैन अर्न बिग अमाउंट ऑफ मनी, और आप अच्छे प्रॉफिट को अपने ऐड कर सकते हो। तो अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो आई कैन शेयर वन सेटअप विद यू पीपल, विद योर व्यूअर्स, कि एक सिंपल और ईजी स्कैल्पिंग सेटअप मैं शेयर कर सकती हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं मिल रही और एक्सपायरी वाले दिन आप छोटे छोटे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, आप कुछ फायदा उठाना चाहते हो कि चलो मार्केट की मूवमेंट का थोड़ा फायदा उठाए, तो वी कैन यूज वन स्कैल्पिंग सेटअप विच आई जनरली यूज ऑन एक्सपायरी। ओके, सो तो विल टॉक अबाउट द स्कैल्पिंग सेटअप। इट इज वेरी इजी और वेरी सिंपल स्कैल्पिंग सेटअप, जिसको मैं एक मिनट में ट्रेड करती हूँ, जिसे मैं बोलती हूँ इनसाइड बार स्कैल्पिंग सेटअप। जब मैं मान लो थर्सडे के दिन बैठी हूँ, जब वेडनेसडे जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं सुबह अपना बैठी हूँ, कोई मुझे मोमेंटम ट्रेड नहीं मिल रहा, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो मैं अपने अलर्ट लगाऊंगी जहाँ पे मुझे पता है कि ब्रेकआउट में मुझे ट्रेड लेना है, और मैं अपना 1 मिनट का चार्ट खोलूंगी, और मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंडिकेटर में जाके इनसाइड बार एक इंडिकेटर ऐड कर दूंगी। देखो मैं इनसाइड बार कैंडल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो बहुत पॉपुलर कैंडल है ये। इनसाइड बार कैंडल इज बेसिकली द कैंडल जिसने पिछली कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया। बट अगर हम नेक डाइस से अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, 15 मिनट में, एक दिन में, तो हमें इनसाइड बार कैंडल वेरी इजिली आइडेंटिफाई हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि कौन सी इनसाइड बार कैंडल बैठी। बट अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इट्स नॉट वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द इनसाइड बार कैंडल, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स होती है छोटा, तो इसलिए वी कैन यूज द इनसाइड बार कैंडल इंडिकेटर। ये क्या करेगा, जहां पर भी इनसाइड बार कैंडल बनेगी,
इट विल क्विकली मार्क दैट इनसाइड बार कैंडल. आप इसकी सेटिंग्स में जाके बार कलर को ब्लैक कर लेना. मैंने बार कलर को ब्लैक किया हुआ है. इससे क्या होगा, यहाँ पे भी इनसाइड बार कैंडल बनेगी. इट विल मार्क इट एज अ ब्लैक. तो आपको पता लग जाएगा ये इनसाइड बार कैंडल बन गई. क्योंकि अगर आप नेक डाइव से इनसाइड बार कैंडल 1 मिनट के सेटअप पे देखने की कोशिश करोगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, और एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई स्कैल्पिंग सेटअप से ट्रेड कर रहे हैं चाहे एक्सपायरी वाले, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इनसाइड बार से स्कैल्पिंग सेटअप से ट्रेड कर रहे हो तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना होता है. क्योंकि इनसाइड हम तभी क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जब मार्केट एक मूवमेंट दे, मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट दे. और मार्केट जब मूवमेंट देता है वो मॉर्निंग 9:30 to 10:30, 11 के बीच में होता है. उसके बाद 90% मार्केट हमारा कंसोलिडेट हो जाता है. वैसे आजकल वैसे ये कम हो रहा है, बट स्टिल कंसोलिडेशन टाइमिंग होता है 11:30 to 12:30 और 1 के बीच में. मार्केट इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं देती है. मार्केट जो मूवमेंट देती है फिर 1:00 to 1:30 के बाद ही मूवमेंट आती है. तो आपको जब इस इनसाइड बार कैंडल से अगर ट्रेड कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ट्राई टू टेक अ ट्रेड बिटवीन 9:30 to 11 एंड देन 1 to 2:30. क्योंकि उस टाइम आपको एक मोमेंटम मिलेगा, एक मूवमेंट मिलेगा. क्योंकि इन स्कैल्पिंग में हम तभी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जहाँ पे हम एक मूवमेंट कैप्चर कर सके. So what you have to do is you have to just mark the inside bar and you have to wait for the inside bar candle to be formed. जैसे आज की हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्राइडे की, तो यू विल वेट फॉर द इनसाइड बार कैंडल टू बी फॉर्म. सबसे पहले जैसे हमने बोला 9:30 के बाद, 9:30 से पहले नहीं, 9:30 के बाद. क्योंकि पहले 15 मिनट की मार्केट जो होती है वो बहुत ज्यादा मोमेंट वोलेटाइल होती है. तो 9:30 to 11 हम ट्रेड करेंगे, नॉट बिफोर दैट. तो यहाँ पे जैसे पहली हमारी 9:30 के बाद की कैंडल बनी 1 मिनट में इनसाइड बाय 9:34. तो आप क्या करोगे, 9:34 की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लोगे. ठीक है, अब इसमें हमें मोमेंटम मार्केट का नहीं देखना क्योंकि वी आर डूइंग द स्कैल्पिंग. स्कैल्पिंग में नो नीड फॉर द मार्केट मोमेंटम. एंड विल वेट फॉर द वन विल वी वेट फॉर दिस कैंडल ब्रेकआउट. तो जैसे इसका हाई विद सम सेफ्टी ऑफ मार्जिन से ब्रेक होगा, जैसे हमारी इस कैंडल का हाई था 48,584. तो मैं बैंक निफ्टी में 5 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखती हूँ. क्योंकि 5 पॉइंट तो एटलीस्ट एक ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हमारी एक ब्रेकआउट मानती हूँ. तो अगर मुझे यहाँ पे 584 + 5, तो अगर हम करें तो 560. जैसे मुझे इस कैंडल ने 560 दिया, जैसे यहाँ पे 584 मेरा हाई था, 560 दिया, आई विल एंटर इन टू द लॉन्ग ट्रेड. मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर जाऊँ. ओके, ठीक है. अब मेरा स्टॉप लॉस होगा लो ऑफ दिस इनसाइड बार कैंडल. तो मेरा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 5. अगर मैं 5 इसके हाई से ही करूं तो यहाँ पे मेरा 21 पॉइंट ही, और 5 पॉइंट मैंने सेफ्टी ऑफ मार्जिन लगाया था, तो मेरा 26 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ वो हो गया स्टॉप लॉस. अब मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 1:1 to 1:2. तो अगर मैं 1:2 बेसिकली 1:2 रखो, 1:1 अगर आप रखोगे तो बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा, तो यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज. तो यहाँ पे मेरा टारगेट 27 पॉइंट का मेरा 20 वो हुआ स्टॉप लॉस. तो यहाँ से मैं अगर 27 पॉइंट ऐड करूँ तो मेरी एंट्री हुई थी 560 पे. तो 560 में अगर मैं 52 पॉइंट ऐड करूँ तो मेरा जो टारगेट हुआ 610 हुआ. क्योंकि यहाँ पे मेरा हाई था, मैं लिख के बता देती हूँ, ऐसे नंबर्स लोगों को नहीं समझ आएंगे. यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है. हमारा हाई था 584. इसमें मैं 5 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखूंगी. तो इसमें अगर हम 5 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखेंगे तो आपका आपकी एंट्री कब बनेगी, जब आपके सिस्टम पे आपको दिखेगा 48,590. ओके, 590 आपको 590 दिखा, यू कैन यू विल एंटर इन टू ट्रेड. आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि करें या नहीं करें, क्योंकि स्कैल्पिंग इज अ सेम गेम जहाँ पे आपको क्विकली एक्शन लेना. आप सोचोगे अच्छा रुकूं वेट करूं तो आप मिस कर जाओगे. तो आपको जैसे आपने क्या करना है, 584 हाई है, जैसे उसने 590 दिखाया यू विल इमीडिएटली एंटर इन द ट्रेड. और आप पे यहाँ पे क्या करोगे, एट द मनी ऑप्शन मार्केट प्राइस पे बाय कर लो.
अब हमारी चल रही 590, हमारी एट द मनी ऑप्शन बनेगी 48,600 की ऑप्शन, हमारी एट द मनी ऑप्शन बनेगी। तो आप 600 की 48,600 की ऑप्शन हमारी एट द मनी ऑप्शन बनेगी, आप एट द मनी ऑप्शन बाय कर लोगे इमीडिएटली, ठीक है? ओके। अब इसमें आपका जो टारगेट होगा दैट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा स्टॉप लॉस होगा द लो ऑफ दिस कैंडल, लो ऑफ दिस कैंडल जो मेरी एंट्री कैंडल थी। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस क्या बना, आई विल टेक द लो ऑफ दिस कैंडल, लो इसका हमारा बना 20 पॉइंट ये, और 5 पॉइंट मैंने सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखा था, तो मेरा स्टॉप लॉस बना 25 पॉइंट का, क्योंकि मैंने 20 पॉइंट की कैंडल और 5 पॉइंट मैंने सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखा, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बना 25 पॉइंट। अब मेरा टारगेट क्या हो गया, 1:2, तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 50 पॉइंट, ठीक है? अब मैंने एंट्री कहाँ करी थी, 590 पे, अगर मैं 590 में 50 पॉइंट ऐड कर दूं तो मेरा टारगेट क्या बनेगा, 640, या राइट? तो आप देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट कैंडल ने 935 की कैंडल ने ही, और नेक्स्ट कैंडल 935 की कैंडल में नहीं, हमारा 938 की कैंडल ने जाके टारगेट अचीव कर लिया, क्योंकि इसका इसने 5640 दिखा दी। ओके तो आप, यस, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग एट इट। ओके, तो पहले हमारी इनसाइड बार कैंडल कब बनी, 934 पे, ठीक है? 934 की कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? नाउ आई विल वेट फॉर द हाई टू बी ब्रेक विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन और लो टू बी ब्रेक विद द सेफ्टी ऑफ मार्जिन। मैं इसमें मोमेंटम नहीं देखती हूँ, जहां टूटा मैंने ट्रेड लेना है ना, क्योंकि मैंने तो क्विक मनी अर्न करनी है, मैंने स्कैल्पिंग करनी है, मुझे मोमेंटम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल है 934 की कैंडल, तो इसका हमारा है 584, मैं सिर्फ आखिरी के दो नंबर ले रही हूँ तीन। अब 584 में मैं 5 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन लगाऊंगी, अगर 5 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन लगाऊंगी तो मेरा बना 589। तो जैसे मुझे नेक्स्ट कैंडल में 935 की कैंडल में 589 दिखेगा, आई विल इमीडिएटली एंटर इन टू द लॉन्ग ट्रेड, और यहाँ पे मैं एट द मनी कॉल बाय कर लूंगी, और इस टाइम मेरी एट द मनी कॉल कौन सी बनेगी, 48,600 की जो कॉल बनेगी दैट विल बी माई एट द मनी कॉल, क्योंकि इस टाइम मेरी कॉल, ठीक है? मैं उसका एज अ मार्केट प्राइस पे एंटर कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं उसके प्राइस को भी देखूंगी सोचूंगी तो मेरा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत क्विकली एक्शन लेना होता है। आपको कुछ भी सोचना है, जैसे ही आपको 589 दिखा आपने एट द मनी कॉल बाय कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देखना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ इनसाइड बार कैंडल। अगर हम लो ऑफ इनसाइड बार की कैंडल की बात करें तो ये लो इज द 562, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना, अगर हम इस कैंडल की लेंथ देखें तो नियर अबाउट 22 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बना, बट इस 22 पॉइंट में मैं 5 पॉइंट अपने सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली हाई पे एंटर नहीं किया था, मैंने उससे 5 पॉइंट बाद एंटर किया था, तो मेरा जो स्टॉप लॉस बना वो बना नियर अबाउट 27 पॉइंट का। अब मेरा जो टारगेट होगा दैट विल बी 1:2, क्योंकि मैं 1:1 पे अगर ट्रेड करूंगी तो मेरा I won't be able to survive in this market. तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 52 पॉइंट, ठीक है? अब मेरी एंट्री कहाँ हुई थी, 589 पे, और इसी में मैं क्या करूंगी, 62 पॉइंट ऐड करके अपना टारगेट सेट कर लूंगी, विच इज नियर अबाउट 651 के आसपास। हाँ, 651 के आसपास, 651 के आसपास। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे मेरे को 651 आएगा, मैं 651 पे एक अलर्ट सेट कर दूंगी, 651 पे एक अलर्ट सेट कर दूंगी, और जैसे ही मेरा 651 आएगा मैं अपनी ऑप्शन प्राइस को इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे निकाल दूंगी। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप डेल्टा कैलकुलेशन कर सकते हो, कि आप ये देख सकते हो कि अगर आपको पता है कि कितने, जैसे आप 50%, जैसे मैं डेल्टा कैलकुलेशन करके भी एक ऑप्शन प्राइस निकालती हूँ, अगर आप डेल्टा कैलकुलेशन में गुड हो तो ही ऐसे करना, नहीं तो आप मिस कर जाओगे कि आप एक ऑप्शन के प्राइस के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो कि इतने प्राइस दूर है तो ये मेरी ऑप्शन का प्राइस हो सकता है, बट वो आपको अगर कैलकुलेशन अच्छे से आती है, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। अभी आप बिगनर हो तो आप यही करो कि जैसे 651 आए सिस्टम पे इमीडिएटली अपने ऑप्शन को मार्केट प्राइस पे निकाल दो, एक आधे पॉइंट की स्लिपेज मिलेगी, स्टिल यू विल बी एबल टू क्लोज द ट्रेड इन गुड प्रॉफिट। तो आपको 25 पॉइंट तो आराम से, आपको 25 टू 27 पॉइंट तो आपको आराम से ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो 651 हमारे 938 की कैंडल में आ गए, तो हमारी एंट्री हुई थी 35 पे, 3 मिनट में हमारा ट्रेड क्लोज हो गया।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई डाउनसाइड की, तो और इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि हमने एक लॉन्ग की एग्जांपल ली है. अब दोबारा हमारी इनसाइड का बार कैंडल बनी 943 पे, सेम वे मैं इसका हाई और लो मार्क कर दूंगी, कर दिया. अब इसका लो है 641. अगर मैं 641 का लो से 5 पॉइंट सेफ्टी ऑफ मार्जिन लू तो मेरी एंट्री बनेगी 36 के आसपास, 536 सॉरी फाइव इसका एक सेकेंड, इसका लो था 641. अगर मैं 5 पॉइंट सेफ्टी ऑफ मार्जिन निकाल दूं तो मेरी एंट्री बनेगी 636 के आसपास. तो जैसे ही मुझे सिस्टम पे 636 दिखेगा मैं इमीडिएटली एट द मनी कॉल बाय पुट बाय कर लूंगी, विच इज अगेन 600 का कॉल पुट, सॉरी 600 का पुट मैं मार्केट प्राइस पे बाय कर लूंगी. अब मैं सेम वे अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करूंगी. अब इस कैंडल की लेंथ क्या, मेरा हाई विल बी माय स्टॉप लॉस. इस कैंडल की लेंथ है 22 पॉइंट, अगेन 22 पॉइंट प्लस 5 सेफ 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:1, 1:2 का मैं टारगेट लूंगी. तो 1:2 का टारगेट लूंगी तो मेरा फिर से टारगेट क्या बनेगा, 52 पॉइंट. और हमें क्या करना है, 636 से अगर हम 52 पॉइंट निकाल देते हैं तो हमारा टारगेट नियर अबाउट 682 या 583 के हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, मतलब देखो. और दूसरी चीज है, ऑप्शन को मैं इसलिए यूज नहीं कर रही कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लेके जाऊँ तो आप अगर इन द मनी एट द मनी देखोगे, आप कॉल देखोगे या पुट देखोगे. ओके, दैट मेक्स सेंस. दैट में अगर आप कॉल देख रहे हो, आप मान लो आपने कॉल देख रहे हो पुट में इनसाइड बार क्या, या तो फिर अगर आप इतने क्विक हो तो आप दोनों स्ट्राइक प्राइस देख लो. बट कई बार क्या होता है कि जो स्पॉट का प्राइस एक्शन होता है और ऑप्शन का प्राइस एक्शन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो ऑप्शन में हमें आपको इतने अच्छे और इतने अच्छे क्विक ट्रेड नहीं मिलेंगे, स्पॉट प्राइस में देखिए ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन में आपको ज्यादा अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे. और फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि अगर फ्यूचर कर रहे हो तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी. फ्यूचर कर रहे हो तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी कि अगर, क्योंकि स्कैल्पिंग इज समथिंग कि आपको 25 पॉइंट लेने और उसमें आप ब्रोकरेज के साथ साथ एसटीडी चाहे वो जो है टैक्सेस वगैरह दोगे तो आपके फिर प्रॉफिट ही सारा गवर्नमेंट ले जाएगी. पर एक बात बताइए, देखो आपको यहाँ पे 50 पॉइंट मिले, 50 में आप ऑप्शन में 25 पॉइंट ले गए, आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप एक हाई क्वांटिटी खेल के आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो ना. क्योंकि अगर आप फ्यूचर करोगे तो आपको 2 या 3 ज्यादा देर से फ्यूचर नहीं कर सकते. अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप 10 लॉट 20 लॉट से करके क्विक मनी क्विकली अच्छा प्रॉफिट अर्न करके साइड हो सकते हो. पर एक बात बताओ, जैसे आप इसको एक्सपायरी वाले दिन अगर यूज करते हो, ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिगार्डलेस ऑफ की स्पॉट क्या कर रहा है, कई बार जब सिग्नल आता होता है तो जिस भी, लेट से हमें बाय का सिग्नल आया, ठीक है, अब बिकॉज मार्केट एफिशिएंट होती है, उसको पता है कि किस साइड पे उसने जाना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, सो ऑप्शन प्राइसेस उस तरीके से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं. नाउ हमारा जो स्कैल्पिंग सेटअप है वो हमें बाय की ट्रेड दे रहा है और हम उसके बेसिस पे कॉल को बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. बट एफिशिएंट मार्केट के अकॉर्डिंगली होता क्या है कि अब वो जो कॉल हमने बाय की है वो उस तरीके से ऊपर जा ही नहीं रही. होता है ऐसा भी, वो होता है, बहुत बार होता है. बट अगर आप एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन लोगे तो फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे. हो सकता है ये हो कि 50 पॉइंट फ्यूचर मूव किया तो उसके अगेंस्ट आपको 25 की जगह 10 या 20 पॉइंट मिले. नहीं तो लोकल जनरली एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि जब आपने एट द मनी ऑप्शन बाय करी 50 के अगेंस्ट आपको 30 से 35 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं ऑप्शन में, क्योंकि उस दिन डेल्टा इज वेरी हाई. क्योंकि उस दिन हमारे पास टाइम वैल्यू तो बची नहीं होती, सारी की सारी हमारे पास डेल्टा वैल्यू होती है एट द मनी में. तो आपको 50 के अगेन 35 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं. बट अगर उस दिन मार्केट में मूव नहीं आ रही है, कॉल में मूव नहीं आ रही और मार्केट मूव कर रही, तो ये समझ लो कि आज मार्केट ऊपर जा देगा. जो कॉल बाइंग कॉल में फ्रेश बाइंग नहीं आ रही तो मार्केट यहाँ से कभी भी फिजल आउट हो सकती है. तो उस दिन फिर लॉन्ग साइड स्कैल्पिंग अवॉइड करो, या करो तो जल्दी निकल जाओ. ओके, so this is how actually you do it.
दिस इज द सेटअप विच आई यूज ऑन एक्सपायरी डेज बेसिकली, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मुझे पता है कि अगर मुझे 50 पॉइंट भी मिले बैंक निफ्टी में तो मैं आराम से 30-35 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऑप्शन में निकाल सकती हूँ. और आप खुद बताइए, अगर 3 मिनट के अंदर मैं 500 क्वांटिटी भी ट्रेड कर रही हूँ और मुझे 35 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि मैं क्विकली कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न करके साइड हो जाती है. बट एक चीज मैं इसमें डिस्क्लेमर ऐड करूंगी कि अगर जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेश न्यू ट्रेडर्स हैं या जो क्विक एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, उनको अगर ये करना है तो 1-2 लोट से प्रैक्टिस करके शुरू करें. ये ना हो कि अच्छा कि मैं शुरू में 500 लोट ले लूं, क्योंकि यहाँ पे एक स्कैल्पिंग इज समथिंग कि आपको बहुत जल्दी बहुत क्विकली आपको काम करना है. अगर आपने थोड़ा सा भी सोचा, थोड़ा सा भी टाइम लिया तो हो सकता है ट्रेंड निकल जाए. तो अगर आप क्विक परफॉर्मर नहीं हो तो ट्राई मत करो. अगर करना चाहते हो तो 1-2 लोट से शुरू करो. जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, यू आर एफिशिएंट इनफ टू टेक अ ट्रेड, देन इससे हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करो. ओके, so this is exactly your setup for momentum trading. Momentum trading ke andar what you are doing is you are just identifying the trend and next day you are taking trade based upon the price action in that direction. And if you are doing scalping on intraday, then you are not looking at direction but aap just quick profit leke uske andar se nikalte ja rahe ho. मोमेंटम में मतलब ये है कि मोमेंटम में एक दिन पहले और उस दिन का प्राइस एक्शन दोनों को मिक्स करके मैं सेंटिमेंट बनाती हूँ. बट इफ आई एम डूइंग द स्कैल्पिंग, फिर मैं कुछ नहीं देखती मार्केट का डायरेक्शन, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप डायरेक्शन मोमेंटम नहीं देखोगे, क्योंकि स्कैल्पिंग इज जस्ट अ क्विक बर्न, क्विक पॉइंट. और हाँ, एक और चीज इसमें एक ऐड करेंगे, अगर रोहित बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, सपोज कोई बहुत बड़ी कैंडल, अगर इनसाइड बार कैंडल है जिसका प्राइस ही खुद ही 50-60-70 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी में, फिर वो अवॉइड कर दो, क्योंकि आपका 1:2 फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार आने, और हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाए. ट्राई टू वेक का इनसाइड कैंडल जो 20-25-30 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 10-12-15 पॉइंट की. वो छोटी छोटी कैंडल्स का क्या होगा, टारगेट भी छोटा होगा, अचीव होना भी ईजी होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी समथिंग जो 100-150 पॉइंट की, तो मतलब 60-70 पॉइंट की मूवमेंट तो 1 मिनट में ऊपर नीचे दे ही जाता है. तो इसलिए बड़ी कैंडल्स या इनसाइड बार बने वो अवॉइड करो, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आपका मूवमेंट, आपको बहुत बड़े पॉइंट्स के लिए वेट करना पड़ेगा, और बड़े पॉइंट्स स्कैल्पिंग में नहीं होते हैं, और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा. तो छोटी छोटी या स्कैल्पिंग कैंडल्स बने वहां ट्रेड करो. इस मेथड को आपने कभी इक्विटीज में ट्राई किया है, प्योर इंट्राडे, फॉरगेट ऑप्शंस फॉर अ मोमेंट, इनसाइड बार? या इनसाइड बार आई डिड in one day candles, I don't use it for the scalping, क्योंकि देखो scalping तभी हो सकती है जब quick movement हो, stocks में इतनी जल्दी इतनी quick movements नहीं आती हैं, तो I use inside bar, but for equity trading, for swing trading और intraday in one day chart, कि यहाँ पे one day पे inside bar candle बन रही हो और उसका high और low break हो रहा, वहाँ मैं trade करती हूँ. जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक किया था इंडिको या कोई था, उसमें वन डे में इनसाइड बार कैंडल बनी थी, उसका हाई ब्रेक हुआ था, तो वहां पे मैंने ट्रेड लिया था, बट वो वन डे पे स्कैल्पिंग. मैंने ये बात इसलिए पूछी आपसे बिकॉज जब हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करते हैं ना, तो एज अ ट्रेडर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाती है कि वी हैव टू ट्रेड द फ्यूचर इटसेल्फ. ठीक है, सो फ्यूचर को जब भी कोई बंदा अभी तो हम लोग चलो बात ऑप्शंस की कर रहे हैं कि हम लोग उसके बेसिस पे कॉल और पुट को देख रहे हैं. ठीक है, इवन इफ आई एम लुकिंग एट इट, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग करने का, मुझे पता है कि गलती करने के चांसेस हैं कहीं ना कहीं पे, इफ आई एम नॉट अ रेगुलर ट्रेडर इन दिस पर्टिकुलर मेथड. ठीक है, मैं हो सकता है कॉल की जगह पे पुट बाय कर दूं, पुट की जगह पे कॉल बाय कर दूं, और क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा डाल दूं, और कुछ नहीं तो हो सकता है स्टॉप लॉस लगाने में देर हो जाए मुझे. ठीक है, बिकॉज यू नीड अ प्रॉपर सेटअप फॉर इट. आपको एक, जैसे गेमर्स होते हैं ना, you have to have that setup ki ha ye scalping is something where you have to be very quick performer. isme ek aur kaam kar sakte ho, agar aap apne stop loss ko skip nahi karna chahte ho ya stop loss ko galti nahi karna chahte ho to aap kya karo, jaise aapne enter kari aapko ye to pata hai ki mera kitna stop loss hai, kitne points se aapne calculate kar liya, kyunki usi ke base pe aap target kar rahe ho, to 60 ke according delta calculate kar lo. Jaise maan lo mera 22 point ka stop loss tha, to main use 60% ke according delta nikalungi, to mera jo stop loss banega 12 ya 13 rupaye ka banega. ab wo stop loss option mein laga do, kyunki 6 zyadatar jo at the money options hoti hai uska delta 60 to 70 hota hai on the time of expiry wale din. to aap kya karoge, agar apne 12 ya 13 point calculate karke 60% jitna bhi aapka gap hai, आपका स्टॉप लॉस है उसका 60%
अगर आपने अपने स्टॉप लॉस में लगा दिया 60% कैलकुलेट करके ऑप्शन के प्राइस से माइनस करके लगा दिया, तो आपका स्टॉप लॉस कभी स्किप नहीं होगा क्योंकि वो स्टॉप लॉस आपने ऑलरेडी सिस्टम में लगा दिया। तो ये एक टिप है कि अगर आप नहीं एक्शन, क्योंकि अगर आपने मान लो स्टॉप लॉस स्किप कर दिया और मार्केट एकदम से उल्टी डायरेक्शन में चलेगी तो हो सकता है आपको बहुत बड़े लॉसेज भी हो जाए। तो इसलिए आप क्या करो, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दो कि मैं 60 पैसे से कैलकुलेट करूंगा और मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, टारगेट पे मैं एग्जिट मार लूंगा मार्केट प्राइस पे, तो उससे आपका स्टॉप लॉस स्किप नहीं होगा कभी। ये आप कर सकते हो। बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि अगर इसको स्कैल्पिंग पे करना हो ना, तो वन कैन अवॉइड कॉल एंड पुट और इक्विटीज पे जाके इसको सिंपल MIS के ऊपर भी कर सकता है, उसको ब्रोकरेज बहुत कम पड़ेगी वहां पे, एंड ऑल ही हैज टू डू इज वरी अबाउट अ सिंगल स्टॉक। यस दैट इज ओके, बट वही इक्विटी में अगर अल्टीमेटली जो उसको मूव मिलेगी वो तो परसेंटेज टर्म में रिलेटिव मिलेगी ना। हाँ वो अलग बात है, बट फिर अगर आप इक्विटी में अगर इसको करना चाहते हो तो फिर आपको हाई लिक्विडिटी स्टॉक देखने पड़ेंगे जो जिनमें वॉल्यूम भी हो और प्राइस भी हो। अगर वो लो लिक्विडिटी जो अच्छे वॉल्यूम वाले हो जिसमें मूवमेंट आती हो या जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, क्योंकि अगर आप डल स्टॉक देख लोगे तो कोई फायदा नहीं है जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, जब जिनका प्राइस ही बहुत छोटा है जिसमें कुछ पैसे ही मिलने हैं तो फिर वो आप नहीं। और बट अगर आप रोहित इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, अगर आप स्टॉक करोगे तो आप फ्यूचर ट्रेड करोगे तो फिर आपको फ्यूचर की क्वांटिटी, आपको अगर छोटे स्टॉक ले रहे हो तो आप क्वांटिटी देख रहे हो भी जाएगी, फिर आपको एग्जैक्टली मार्जिन भी उतना चाहिए। दैट इज व्हाई मैंने कहा ना कि, और फिर वो लॉस भी बड़ा होगा वहां पे, लॉस भी बड़ा होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में कर नहीं सकते क्योंकि वहां मार्केट प्राइस नहीं होता है, वहां पे आप जितनी देर में आप लिमिट प्राइस में चेंज करोगे उतनी देर में पता लगा आपका टारगेट आ गया। तो इक्विटीज के अंदर आप ये कर सकते हो ना कि अगर आपके पास मान लो 1,00,000 रुपया है, ठीक है, आप उस 1,00,000 रुपए को MIS पे लेके जाके अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो और आपकी ब्रोकरेज भी कम रहती है। हाँ ये आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो अगर आप इक्विटी में करना चाहते हो, कैश में करना चाहते हो। और ज्यादा बात अगर आपको लिक्विडिटी की है, देन गो फॉर एवरीडे NSE की साइट के ऊपर टॉप ट्रेडेड 5 स्टॉक्स तो आते हैं, उसको उठा लो। और अगर आप अपनी ब्रोकरेज बचाना चाहते हो तो आप फिनविसिया शुरू कर यूज कर सकते हो, फिनविसिया में 0 ब्रोकरेज लगती है और वो अच्छा। आई थिंक कोटक ज्यादा बेटर है ना, वो तो इंट्राडे प्लान देते ही है वहां पे। पर मैंने देखो फिनविसिया का, मैं सीरियसली आपके चैनल पे बता रही हूँ, फिनविसिया का लोगों को खौफ है, बहुत अच्छा चलता है, मैं पिछले बहुत सालों से उसे यूज कर रही हूँ, मुझे आज तक 1 या 2 बार टेक्निकल ग्लिच आए हैं, वो जिरोधा में भी हमें आए हैं, कौन से ब्रोकर में हमें नहीं आए, कोटक में भी हमें बहुत बार टेक्निकल ग्लिचेज आए हैं, जिरोधा में अभी 2 दिन पहले ग्लिचेज आ रहे थे, हर ब्रोकर में आते हैं। उनका कस्टमर केयर मैं बोल सकती हूँ इतना अच्छा नहीं है कि आप कस्टमर, बट ग्लिचेज आर वेरी लेस। मैं बहुत 2 सालों से 2-3 साल जीरोधा के तो टाइम टेबल में क्वार्टरली शेड्यूल होता है ना उनका ग्लिच का। हाँ उनका क्वार्टरली शेड्यूल होता है बट इनका नहीं होता, टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है, मैंने नहीं फेस किए, मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ, मैंने नहीं फेस किए। तो अगर आप अपनी ब्रोकरेज सेव करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, टेक्निकल ग्लिचेस कौन से में नहीं होता यार, सब ब्रोकर्स में टेक्निकल। मुझे बहुत रेयरली साल में एक बारी आ जाए तो आ जाए, एंड देन द RMS इज अवेलेबल फॉर दैट। ना जो वो शिखा मैडम भी वही यूज करती है, क्योंकि हम जब अपने ब्रोकरर की बात कर रहे होते तो वो भी शुरू हो जाती है, मेरे ब्रोकर में नहीं आता है। नहीं मुझे सीरियसली नहीं आता है, मैं आज तक आप मेरी कभी ट्विटर की प्रोफाइल चेक करोगे ना, मैं कभी भी ग्लिच को देख के कभी नहीं रोया हूं, बिकॉज 2017 में व्हेन आई वाज ट्रेडिंग, उससे पहले मैंने कभी ग्लिच का सिस्टम सुना नहीं था, ठीक है। द ब्रोकर दैट आई वाज ट्रेडिंग विद, अगर एक सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा उसके 8 बैकअप होते थे कि यार आप इस सर्वर से कनेक्ट कर लो आपका सिस्टम चलेगा, ठीक है। सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2017 और फर्स्ट टाइम मुझे ग्लिच आया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप किसी क्लाइंट के पैसे के साथ ट्रेड मतलब डील कर रहे हो, इवन इफ इट इज रिटन ऑन योर लीगल एग्रीमेंट कि देयर कैन बी टेक्निकल एरर्स, हाउ कैन दिस हैपन। सो जब फर्स्ट टाइम जीरोधा के साथ प्रॉब्लम आई थी आई वाज आउट, फिर उसके बाद में मेरे को इतना प्रॉब्लम आज तक नहीं, वैसे कम आई है बट 1-2 बार मैंने पता है, मैं हमेशा बैकअप अकाउंट रखती हूँ, जब भी मेरा कोई ग्लिच आता है मैं दूसरे ब्रोकर में जाके उसको बाय कर लेती हूँ, सेल कर देती हूँ। जैसे एक बार अभी रिसेंटली मेरा आया था कुछ फंसा था, तो मैंने उसी ऑप्शन को फिनविसिया में जाके सेल कर दिया था, तो मुझे क्योंकि मैंने एक बार बहुत मेजर लॉसेस खाए थे बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच, मुझे याद नहीं है बट इट इज आई थिंक 4-5 ईयर्स बैक,
3-4 2-3 साल पहले की बात है, मेरी एक ऑप्शन थी मुझे निकालनी थी, बट जिरोदा उसे नहीं निकालने दे रहा था क्योंकि न्यूजन में उनका सर्वर हो गया था, और मैंने शाम को मतलब मेरी वो एक्सपायरी वाला दिन था, वो मेरी ऑप्शन जीरो हो गई थी, तो आई हैड अ मेजर लॉसेज। तो उसके बाद फिर मैं हमेशा बैकअप भी रखती हूँ कि मेरा भैया मैं बैकअप में सेल कर दूंगी, ताकि एटलीस्ट यहाँ जो लॉस हो रहा है वो मेरा वहाँ पे कवर हो रहा है, तो मैं ये अपने आप को सेव करती हूँ। चलो एनीवेज किरण, इट वाज वेरी नाइस टू हैव अ डिस्कशन विद यू। आई थिंक जो व्यूअर्स हैं उनको मोमेंटम ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के बारे में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव जरूर मिला होगा। व्हाट आई फाउंड गुड अबाउट द थिंग इज कि यू आर नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर टू डू एनीथिंग। ओके, ऑल यू आर डूइंग इज टोटली प्राइस एक्शन एंड द थिंग्स आर वेरी सिंपल। यू आर जस्ट मार्किंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हाई एंड लोज, एंड देन यू आर एसेंशियली नॉट trading in the first half hour or first one hour when there is no clarity about the direction, and then you are letting things I generally avoid first nahi I don't avoid jahan clarity nahi hai jab tak mujhe trade nahi milta jahan clarity nahi hai to wo nahi hoga ki first hour maine trade nahi kiya, but jahan clarity nahi hai main trade nahi karungi. So what I'll do is I'll tag you into this particular description. I'll put your handle in. And if my viewers have any query about system or some questions, I'll request you take it up from there and guide them. No worries. It was really nice having this session with you. Thanks a lot from my side. Thank you so much. Thank you.